हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी सस्पेंस हॉरर और थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस मूवी का नाम है प्ले डेड और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और स्लैशर मूवी है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो आइए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें क्लोई नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट थी और अपने भाई टीजे के साथ में रहती थी। क्लोई का मेलबॉक्स बैंक नोटिस से भरा हुआ था क्योंकि क्लोई के फादर ने घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया हुआ था, लेकिन लोन को चुकाने से पहले ही उनके डैड की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और अब बैंक उनके घर को नीलाम करने वाली थी। और तो और इंश्योरेंस कंपनी इन सभी को ये कहकर पैसे नहीं दे रही थी कि उनके फादर ने खुद सुसाइड किया है। क्लोई अपना घर बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन उसके पास में उसके कॉलेज फीस भरने के पैसे भी नहीं थे। तो इसीलिए क्लोई बैंक में कॉल करके बात करती है लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर क्लोई अपने भाई टीजे को कॉल करके उससे बात करती है। दूसरी तरफ टीजे और क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड रोज ये दोनों मिलकर एक स्टोर में चोरी करने वाले थे। दोनों का प्लान था कि रोज स्टोर में जाकर गन दिखाकर पैसा लूटेगा और फिर दोनों यहाँ से कार लेकर भाग जाएंगे। फिर रोज एक मास्क पहनकर कार से निकलकर स्टोर के अंदर जाता है और टीजे कार में बैठकर रोज का इंतजार करने लगता है। तभी टीजे को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। तो टीजे देखता है कि रोज बचते बचाते वहां से बाहर आ रहा था और एक आदमी गन लेकर रोज के पीछे आता है। रोज को गोली लगने की वजह से वो घायल होकर वहीं पर गिर जाता है और टीजे उसकी मदद करने के लिए उसके पास में जाना चाहता था, लेकिन वो आदमी कार पर भी गोली चला देता है जिससे कि गाड़ी की विंडशील्ड टूट जाती है और टीजे को भी थोड़ी बहुत चोटें लगती है और वो रोज को वहीं पर छोड़कर अकेला ही भाग जाता है। लकीली टीजे बच जाता है और अपने घर पहुंचता है। फिर घर पहुंचकर वो क्लोई को सब कुछ बता देता है। क्लोई टीजे के घाव पर पट्टी करने लगती है और पूछती है कि ये सब आखिर कैसे हुआ। टीजे बताता है कि उसने और रोज ने मिलकर एक स्टोर में चोरी की थी और शायद रोज वहां पर मर चुका होगा। ये सुनकर क्लोई हैरान हो जाती है। टीजे क्लोई से ये सब करने के लिए माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, मैं जेल में नहीं जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। फिर क्लोई टीजे से उस चोरी के बारे में हर एक चीज बारीकी से पूछने लगती है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि टीजे पुलिस के हाथों पकड़ा जाए। क्लोई पूछती है कि वो कार कहाँ पर है जिसे तुम और रोज चोरी करने के लिए गए थे। तो टीजे उससे बताता है कि वो एक चोरी की कार थी और उसे मैंने जला दिया है। टीजे ये भी कहता है कि उन्होंने इस चोरी के प्लान के बारे में किसी से कुछ भी शेयर नहीं किया था। तभी उसे याद आता है कि उन्होंने ये सारी प्लानिंग रोज के फोन में की थी और फोन अभी भी उसके पॉकेट में होगा। टीजे की बातें सुनकर क्लोई उस फोन को लाने का डिसाइड करती है जो कि रोज के पास में था। फिर क्लोई और टीजे उस फोन को लेने के लिए निकल जाते हैं। क्लोई एक मेडिकल स्टूडेंट थी तो उसे पता था कि रोज की बॉडी को उसके सामान के साथ में मॉर्ग में ले जाया जाएगा और फिर उसके सामान को एक एविडेंस रूम में रख दिया जाएगा। उसके अगली सुबह ऑटोप्सी रिपोर्ट के साथ ही वो सामान भी पुलिस को दे दिया जाएगा। क्लोई एक प्लान बनाती है जिसमें वो बताती है कि मॉर्ग में सिर्फ एक ही इंसान की ड्यूटी होती है। उसने कल न्यूज में देखा था कि एक लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो वो उसकी फ्रेंड बनकर वहां पर जाएगी और फिर वो उस इंसान से रिक्वेस्ट करेगी कि यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड की बॉडी आई है और वो लास्ट टाइम उसे देखना चाहती है, तो वो उसके लिए गेट को खोल दे। इसके बाद में वे दोनों प्लान के अकॉर्डिंग उसी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वहाँ पर घुसने में कामयाब नहीं होते हैं। फिर वे दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर वे दोनों इस बिल्डिंग में कैसे जाएं। तभी टीजे क्लोई को लेकर अपने एक फ्रेंड के पास में जाता है जो कि एक क्लिनिक में काम किया करती थी। वहाँ पर जाकर वे लोग उससे एक ड्रग लेते हैं जिससे कुछ समय के लिए बॉडी ठंडी हो जाती है और हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है जिससे किसी को भी यह लगेगा कि वो इंसान मर चुका है। अब क्लोई आगे का प्लान बताती है। वो कहती है कि मैं इस ड्रग को लूंगी और तुम थोड़ी देर के बाद में पुलिस को कॉल करके बताना कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, फिर पुलिस मेरी बॉडी को भी ले जाकर मॉर्ग में डाल देगी और जब मैं होश में आऊँगी तो मैं मॉर्ग में रहूँगी, फिर मैं उस एविडेंस को लेकर सुबह वहाँ से बाहर आ जाऊँगी। अब उनके प्लान के अकॉर्डिंग ठीक होता भी वैसा ही है और जब क्लोई को होश आता है तो वो खुद को मॉर्ग में पाती है। वो जब आसपास देखती है तो उसे कई सारी लाशें दिखाई देती है। उस ड्रग की वजह से क्लोई अब तक पूरी तरीके से होश में नहीं आई थी। फिर जब वो उस रूम से बाहर जाने के लिए गेट की तरफ आती है तो देखती है कि कोरोनर जो कि लाशों की देखरेख करता है वो उसी की तरफ आ रहा है। तो क्लोई फटाफट जाकर स्ट्रेचर पर लेट जाती है और मरने का नाटक करती है। कोरोनर रूम में आकर बॉडी के टैग को चेक करने लगता है और उसे ऐसा करते हुए क्लोई चुपकर देख रही थी। फिर वो जब क्लोई के पास वाले स्ट्रेचर को ऊपर करने लगता है तो उसकी नजर क्लोई पर जाती है, लेकिन कोरोनर उसे एक लाश समझकर उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है।
फिर उसके जाने के बाद में क्लोई भी वहां से निकलने लगती है। तभी उसके पैर में कुछ फील होता है। जब वो लाइट ऑन करके देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पैरों में खून लगा हुआ है और उसकी नजर वहां पर रखी हुई एक लड़की की लाश पर जाती है जिसकी कंडीशन बहुत खराब थी। उसे देखकर क्लोई घबरा जाती है। फिर इसके बाद में वो वहां से कपड़े लेकर पहन लेती है। अब क्लोई एविडेंस रूम के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन तभी कोरोनर उस रूम से बाहर आ जाता है क्योंकि उसे बाहर से एक बेल सुनाई देती है। कोरोनर सिक्योरिटी रूम में जाकर बाहर के गेट को अनलॉक कर देता है। कोरोनर से मिलने के लिए एक आदमी आया हुआ था और उसका नाम मैनिक्स था। मैनिक्स कोरोनर से पूछता है कि तुम यहाँ पर इन मरे हुए लोगों के साथ में दिन रात कैसे रह लेते हो, क्या तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लगता? दोस्तों मैनिक्स यहाँ पर कोरोनर से ह्यूमन ऑर्गन की डिलीवरी लेने के लिए आया हुआ था। फिर वो कोरोनर से एक लीवर की डिमांड करता है। कोरोनर उसे लीवर लाकर दे देता है और फिर मैनिक्स को रवाना करके कोरोनर सारे दरवाजे को बंद करके वापस अपने काम में लग जाता है। अब क्लोई भी उसी रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर रोज को रखा गया था। क्लोई रोज को देखकर रोने लगती है। कोरोनर ने रोज के लीवर को निकाल दिया था। तभी रोज होश में आ जाता है क्योंकि रोज अभी भी जिंदा था और ये देखकर क्लोई हैरान हो जाती है। फिर वो रोज को शांत करती है और वो उसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। दूसरे रूम में कोरोनर एक लाश के ऑर्गन को निकालने वाला था, लेकिन उसके पहले वो अपनी चीजों और चाबियों को साइड में करके एक टेबल पर रख देता है। फिर इसके बाद वो उस लाश को एक कटर से चीरकर उसके अंदर के ऑर्गन्स को निकाल लेता है और इस मौके का फायदा उठाकर क्लोई चाबियों को लेकर वहां से रोज के पास आ जाती है और रोज को अपने साथ में गेट तक ले जाती है। लेकिन सही चाबी पता नहीं होने के कारण उसे गेट खुलने में बहुत टाइम लग जाता है। इधर कोरोनर भी अपने काम से फ्री हो गया था और वो चाबियों को ढूंढने लगता है जो कि उसे कहीं नहीं मिलती है। फिर दूसरे रूम में जाने से पहले उसे कुछ शक होता है और वो जल्दी से सिक्योरिटी रूम में आ जाता है और कैमरा में वो क्लोई और रोज को देख लेता है। रोज इतना ज्यादा वीक हो चुका था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो वो क्लोई से अकेले ही वहां से निकल जाने को कहता है। अभी इधर जल्दी से कोरोनर खुद एक मास्क पहनता है और गैस सिलेंडर लेकर उन दोनों के पास में पहुंच जाता है और वो उस गैस से उन दोनों को बेहोश कर देता है। क्लोई को जब होश आता है तो वो खुद को बेड पर बंधा हुआ पाती है और दूसरे बेड पर रोज भी था जो कि अब तक बेहोश था और उसके पास ही कोरोनर भी था जो कि अब रोज का ऑपरेशन करके उसके ऑर्गन्स को निकालने वाला था। क्लोई कोरोनर से कहती है कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जिस पर कोरोनर उससे कहता है कि तुमने क्या सोचा कि तुम यहाँ पर आओगी और इसे बचाकर ले जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तुम लोग काम नहीं करते हो, बस चोरी करके लोगों को लूट लेते हो। तुम जैसे लोग मेरे लिए एक समान है। तुम जिंदा तो मेरे किसी काम का नहीं हो, लेकिन मरने के बाद तुम लाखों के हो जाओगे। फिर मैं तुम्हारी बॉडी पार्ट्स को बेच दूंगा और उसके बदले में मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और तुम्हारी बॉडी का एक एक पार्ट उन लोगों के काम में आएगा जो कि जीना डिजर्व करते हैं। फिर वो रोज के पेट को काट कर उसके पेट में हाथ डालता है और उसके लीवर को बाहर निकाल लेता है और उसे एक बॉक्स में डालकर वहां से बाहर चला जाता है क्योंकि उसे उसकी डिलीवरी करनी थी। अब अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त के साथ ये सब होता देखकर क्लोई का दिल कांप जाता है। फिर उसके जाने के बाद क्लोई खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और पास में रखे एक चाकू की हेल्प से अपने हाथ के बेल्ट को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। फिर क्लोई एक कटर से अपने हाथ के बेल्ट को काट लेती है और खुद को छुड़ाकर वहीं पर छुप जाती है, लेकिन उस कटर की आवाज कोरोनर को भी आ जाती है। वो जब रूम में वापस आता है तो क्लोई उसे वहां पर नहीं दिखती है, तो कोरोनर एक बड़ा सा चाकू लेकर क्लोई को ढूंढने जाता है, लेकिन उसे क्लोई अभी भी नहीं मिल रही थी। फिर कोरोनर के वहां से जाने के बाद क्लोई बाहर निकलती है और उसके हाथ एक हीलियम गैस का सिलेंडर लग जाता है जिससे कि वो एविडेंस रूम के लॉक को तोड़कर उसके अंदर चली जाती है। वो उस बॉक्स को ढूंढ लेती है जिसके अंदर रोज का मोबाइल रखा हुआ था और उसके अंदर वो गन भी थी। तभी वहां पर कोरोनर भी आ जाता है और उसे देखकर क्लोई वहीं पर छुप जाती है। फिर कोरोनर को उस बॉक्स में से रोज का फोन मिल जाता है, लेकिन तभी उसके सामने क्लोई आ जाती है और उसे गन से डराते हुए कहती है कि ये फोन मुझे दे दो। कोरोनर उसे देखकर समझ जाता है कि या तो ये नकली गन है या फिर ये खाली गन होगी। तभी क्लोई उसके आंख पर शूट कर देती है और एक प्लास्टिक की गोली कोरोनर की आंख पर लग जाती है जिससे कि उसकी आंख पर चोट लगती है और इसका फायदा उठाकर क्लोई वहां से भाग जाती है। अब कोरोनर उस फोन को लेकर रोज के पास में जाता है और उसे अनलॉक करता है। फिर वो उस फोन को देखकर ये समझ जाता है कि आखिर क्लोई यहाँ पर क्यों आई है। इधर क्लोई एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर कई सारे लोग थे और उनके कई बॉडी के पार्ट्स भी निकाले गए थे, लेकिन वो अभी मरे नहीं थे, वे सभी जिंदा थे।
क्लोई ये सब देखकर बहुत ही बुरी तरीके से डर गई थी और वहां से भाग जाती है। फिर क्लोई को माइक में से आवाज आती है जो कि कॉर्नर की थी। वो कहता है कि क्लोई मुझे समझ आ गया है कि तुम यहाँ पर अपने भाई टीजे को बचाने के लिए आई हो, लेकिन वो भी एक गुनहगार है जिसकी सजा सिर्फ मौत है और तुम उसे कभी भी नहीं बचा सकती हो। ये सब सुनकर क्लोई कॉर्नर के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर पहुंचकर वो टीजे को कॉल करके कहती है कि यहाँ पर बहुत खतरा है और उसे नहीं पता कि वो जिंदा बचेगी या नहीं, तो यहाँ से चला जाए। तभी कॉर्नर अपने डॉग के साथ में वहाँ पर आ जाता है और उसे क्लोई के पीछे लगा देता है। क्लोई उसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है और एक रूम में जाकर छुप जाती है। फिर क्लोई उस डॉग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रोज के लीवर जो कि एक बॉक्स में रखा हुआ था वो उसे उस डॉग की तरफ फेंक देती है और बाहर आकर उस रूम को लॉक कर देती है। दूसरी तरफ टीजे एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करके वहाँ पर बुला लेता है, लेकिन क्लोई सिक्योरिटी रूम के अंदर कैमरा में टीजे को पुलिस के साथ में देख लेती है और अंदर आने के सारे गेट को खोल देती है। फिर क्लोई भागकर उनके पास में जाती है और ऑफिसर को सारी बातें बताने लगती है, लेकिन वो ऑफिसर उसे कहता है कि वो दोनों यहीं पर रुके, वो अंदर देखकर आएगा कि वो सच बोल रही है या नहीं। तो अब जैसे क्लोई पलटती है तो ऑफिसर उन दोनों को ही मानने लगता है क्योंकि वो खुद भी कोरोनर के साथ में मिला हुआ था। लेकिन क्लोई ऑफिसर को वही नकली गन दिखाकर बिल्डिंग के बाहर तक आ जाती है, लेकिन तभी कोरोनर माइक में कहता है कि ये गन नकली है और वो ऑफिसर से ये भी कहता है कि वो उन्हें कुछ नहीं करें क्योंकि वे सभी उसे जिंदा चाहिए। लेकिन ऑफिसर उन दोनों के पीछे उस डॉग को लगा देता है जिससे बचने के लिए वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते टीजे बाउंड्री तक पहुंच जाता है और उसके ऊपर चढ़कर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वे डॉग टीजे के पीछे आ जाते हैं और कॉर्नर बाउंड्री के तारों में करंट फ्लो कर देता है जिससे कि टीजे को शॉक लगता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। फिर वो डॉग टीजे को काटने लगता है, लेकिन क्लोई आकर उस डॉग को वहां से भगा देती है। ये सब कॉर्नर कैमरे में देख रहा था और उन दोनों की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। अब क्लोई टीजे को बिल्डिंग के बेसमेंट को तोड़कर उसके अंदर ले जाती है और डॉग फिर से वहां पर आ जाता है, लेकिन वो जल्दी ही बेसमेंट के गेट को अच्छे से बंद कर देती है और तब पुलिस ऑफिसर वहां पर आकर उस गेट को हथकड़ी लगाकर बाहर से बंद कर देता है ताकि कोई भी बाहर नहीं आने पाए। तो अब इतने में ही मैनिक्स लीवर की डिलीवरी लेने के लिए वहां पर आ जाता है, लेकिन कॉर्नर उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उसे एक घंटा लगने वाला है। तभी मैनिक्स का ध्यान वहां पर खड़ी उस पुलिस ऑफिसर की कार पर जाता है, तो कहता है कि ये पुलिस की कार है, इस काम में पुलिस भी तेरे साथ में होगी। तभी पीछे से ऑफिसर भी आ जाता है और मैनिक्स को शूट कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके बारे में पता चले कि वो इन सब में शामिल है। अब बेसमेंट में क्लोई को एक हैमर मिलता है जिसे वो अपने पास में रख लेती है और वे दोनों वेंटिलेशन पाइप के थ्रू ऑटोप्सी रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर कॉर्नर और ऑफिसर मैनिक्स की मौत का इल्जाम टीजे और क्लोई के ऊपर डालने का प्लान करते हैं। अब कॉर्नर मैनिक्स के बॉस को कॉल करके कहता है कि मैनिक्स को गलती से गोली लग गई है तो वो डिलीवरी लेने के लिए किसी और को भेज दें, लेकिन तभी बात करते करते कॉर्नर की नज़र वेंटिलेशन पर पड़ती है तो देखता है कि क्लोई और टीजे मैनिक्स को खींचकर वेंटिलेशन में ले जा रहे थे। फिर वे तीनों उसी रूम में आ जाते हैं जहां पर कॉर्नर ने और भी कई सारे जिंदा लोगों को रखा हुआ था। वहीं पर टीजे मैनिक्स से डील करता है कि वो उसकी जान बचाएगा, लेकिन बदले में उसे उन्हें बहुत सारा पैसा देना होगा और इसके लिए मैनिक्स मान जाता है। लेकिन तभी वहां पर ऑफिसर आ जाता है और उस जहरीली गैस को छोड़ देता है। क्लोई उन दोनों को मास्क देकर ये कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं इसे चकमा देकर जल्दी आ जाऊंगी। जब ऑफिसर टीजे के पास से निकलता है तो वो उस पर हमला करने वाला था कि तभी कॉर्नर वहां पर आ जाता है और टीजे को शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है। अब गैस की वजह से क्लोई की भी हालत खराब हो गई थी। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और फिर क्लोई सिलेंडर को भी उसके सामने उल्टा करके उसके नोजल पर हैमर से मार देती है जिससे कि वो सिलेंडर सीधा ऑफिसर के मुंह पर जाकर लगता है और वो ऑफिसर वहीं पर मारा जाता है। अब ऑफिसर की मौत से कॉर्नर घबरा जाता है और वहाँ के बाकी सारे पेशेंट को भी गन से शूट करके एक एक करके मार डालता है और टीजे को अपने साथ में ले जाता है क्योंकि उसे एक डिलीवरी करना थी। कॉर्नर टीजे का लीवर निकालने वाला था, लेकिन तभी क्लोई भी उस रूम में पहुंच जाती है और उसे देखकर कॉर्नर छुप जाता है। क्लोई टीजे को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कॉर्नर पीछे से आकर क्लोई को पकड़ लेता है। कॉर्नर उसे मारने वाला था कि तभी क्लोई उसके ऊपर हीलियम की गैस छोड़ देती है और उससे कॉर्नर का पूरा फेस जाम हो जाता है। अब क्लोई उसके फेस पर जोर से सिलेंडर को मारती है जिससे कि उसका आधा चेहरा किसी कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है
और क्लोई को उसकी हालत देखकर हंसी आ गई थी। अब कॉरनर पागलों की तरह एक बड़े से चाकू से क्लोई पर हमला करने लगता है कि तभी वहां पर मैनिक्स आ जाता है और एक चाकू से हमला करके कॉरनर को ही घायल कर देता है। फिर जब कॉरनर मैनिक्स को मारने वाला था तो क्लोई उस चाकू को कॉरनर के सर में घुसा देती है जिससे कि कॉरनर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब टीजे मैनिक्स से कहता है कि लाओ मुझे मेरे पैसे दो क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन मैनिक्स कहता है कि जान तो मैंने तुम्हारी बचाई थी और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बदले में तुम्हें मुझे एक लीवर देना होगा जिसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। फिर इसके बाद में क्लोई मैनिक्स को कॉरनर का ही लीवर निकाल कर दे देती है और इसके बाद मैनिक्स उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। फिर वे लोग कॉरनर के डॉग को बिल्डिंग में बंद करके मैनिक्स की कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि कॉरनर का डॉग कॉरनर की ही लाश को खा रहा था और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये था ब्लेडेड मूवी का एक्सप्लेनेशन जहाँ पर टीजे और क्लोई दोनों भाई बहन थे लेकिन उनके फादर ने बैंक से लोन लिया हुआ था और उनकी मौत होने के कारण अब बैंक उनके घर को नीलाम करने वाली थी। अपने घर को बचाने के लिए टीजे एक शॉप में चोरी करता है लेकिन वहां पर गलती से एक्स मारा जाता है और क्लोई अपने भाई टीजे को बचाने के लिए हॉस्पिटल के मॉर्ग में एक लाश बनकर चली जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हॉस्पिटल के अंदर और भी बुरे काम होते हैं। वहां पर कोरोनर जो कि लाशों की देखरेख करता था वो लाशों के ऑर्गन निकालकर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच दिया करता था। लेकिन मूवी के एंड में हमने देखा कि जिस तरीके से कोरोनर लोगों के ऑर्गन को बेचा करता है मूवी के आखिर में उसके भी ऑर्गन को बेच दिया गया था और उसके बचे हुए शरीर को उसका ही कुत्ता खा रहा था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा अब अगले वीडियो।